इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर ईडी ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनके बेटे गौतम सिगमनी के ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के अनुसार ईडी ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर रही है। ईडी की छापेमारी को डीएमके ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। बता दें कि पोनमुडी तिरुकुल्लूर विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि सिगमनी कालाकुरुची लोकसभा सीट से सांसद है। पोनमुडी जब 2007 से 2011 के बीच राज्य मंत्री थे, तो उस वक्त उनके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी का केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में उनके खिलाफ 28 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का केस चल रहा है। प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर दिया है। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सूत्रों की माने तो बतौर खनन मंत्री खुद बता दें कि खदानों का लाइसेंस देने के नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से सरकार के खजाने को 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में शिवालयों में उमड़ती है भक्तों की भीड़। ऐसा ही एक शिव मंदिर है जिसमें द्वितीय काशी उसे कहा जाता है। कानपुर में स्थित सिद्धनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी है। क्या इस मंदिर के द्वितीय काशी बनने की कहानी है, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रावण मास में जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर में महादेव के दर्शन को शहर के साथ अन्य कई शहरों से भी भक्त आते हैं। गंगा स्नान कर भक्त भोले बाबा पर बेलपत्र और चंदन अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सिद्धनाथ मंदिर में श्रावण मास के दौरान जलाभिषेक के लिए भोर पहर से ही भक्तों की लंबी कतार लग जाती है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के पावन तट पर स्थित सिद्धनाथ मंदिर का इतिहास त्रेता युग से है। कानपुर में इस प्राचीन मंदिर को दूसरा काशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि राजा ययाति द्वारा कराई गई खुदाई में सिद्धनाथ मंदिर के शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। पूरे भारत वर्ष में सावन का महीना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ये सावन 19 साल बाद 2 माह का सावन पड़ेगा। 31 अगस्त 2023 को ये सावन खत्म हो जाएगा। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के जाजमऊ में, जहां पर सिद्धनाथ महादेव का ये मंदिर है। हम आपको दिखा सकते हैं कि सभी यहां जो भी भक्त हैं वो यहां पूजा पाठ कर रहे हैं। और यह मंदिर जो है, इस मंदिर को द्वितीय काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो कि वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस मंदिर को द्वितीय काशी के नाम से क्यों जाना जाता है, भक्त बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ लगातार 100 यज्ञ पूरे होने के बाद इस स्थल को काशी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन 100वें यज्ञ के दौरान एक कौवे ने हवन कुंड में हड्डी डाल दी थी। 99वें यज्ञ पूरे होने के चलते ये स्थान द्वितीय काशी के रूप में पहचाना जाने लगा। यहाँ पर 99 यज्ञ हुए थे, एक यज्ञ बाकी रह गया था। इंद्र ने कौवे के रूप धर के हड्डी डाल दी यज्ञ में, तो यज्ञ विध्वंस हो गया। इसके बाद काशी में 100 यज्ञ पूरे भए, इसलिए ये द्वितीय काशी कहा जाता है। तो राजा ययाति थे, उनको जो यज्ञ किया था, तो उनको यज्ञ कराने आए थे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सनंदन संत कुमार। तो वो जो है यहाँ पर, और वो जो सनत संदन संत कुमार आए थे, वो अपनी पार्थिव पूजन करते थे। वो ये पार्थिव पूजन के ये शिवलिंग है। तो यहाँ जंगल था, तो एक गैया जो आके घुस जाते थे जाने, उसके ऊपर दूध गिरा करता था। तो लोगों ने झाड़ी काट दी। झाड़ी काटने के बाद देखा कि शिवलिंग है, किसी ने चबूतरा बनाया, किसी ने। अब इसको ये नहीं बता सकते, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये मंदिर बना है, कब का बना है कोई बता नहीं सकता है। कई ईंट का बना है। अभी हम जब यहाँ आए हैं, तब ये का जीर्णोद्धार कराया है। सिद्धनाथ बाबा को जाजमऊ के कोतवाल के रूप में भी पूजा जाता है। भक्त गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। सावन में हम लोग 4 करते थे, अब 8 मिल रहा है। ये तो ऊपर वाले की कृपा है, और मैं इस सब सोचती हूँ कि ये सौभाग्य की बात है, हम लोग को मिल रहा है। नहीं तो 4 सोमवार मिलता था, उसमें 4 ही बार मतलब जरूरत समझते थे करना है, अब 8 बार हो गया। बहुत भाग्य की बात। हम तो बचपन से आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा जो है
आना कम हो गया हम लोगों का, तो अब पर्व में ही आ पाते हैं जब भी आना होता है। बचपन से आ रही हैं? बचपन से हम लोग आ रहे हैं, हमारे बाबा इक्का में बिठाल के यहाँ लाते थे हमको, इतने पुराने हैं हम लोग इक्का। सिद्धनाथ बाबा के दर्शन को श्रावण मास में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। मान्यता है कि महादेव को बेलपत्र अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पवित्र श्रावण मास में बाबा के दरबार में भक्तों में काशी विश्वनाथ जैसा उत्साह देखने को मिलता है। तो आपने सुना जो सिद्धनाथ मंदिर के महंत हैं मुन्नीलाल पांडे, उन्होंने बताया किस तरह इस मंदिर को द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। राजा यायाति के बारे में भी बताया उन्होंने, कई सारी बातें इस मंदिर के बारे में बताई, जो भी रहस्य थे वो भी उन्होंने बताया कि क्या कारण था कि ये द्वितीय काशी के प्रथम काशी नहीं बन पाया, द्वितीय काशी बन के ही रह गया। हालांकि इस मंदिर का काफ़ी महत्व है, लोग यहाँ दूर दराज से, भारत से, हर जगह से लोग यहाँ पे आते जाते हैं। अपने सहयोगी सुनील सिंह के साथ मैं हिमांशु, न्यूज वॉच इंडिया, कानपुर नगर। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।